उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। केंद्र की भाजपा सरकार पिछले साल के विकास कार्यों का लोखा जोखा लेकर जनता के बीच दोबारा विश्वास पाना चाहती है, मगर वहीं कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के चुनावी वादों को पूरा न करने का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षक करने की तैयारी में है। इन सबके बीच गाजीपुर से हाजीपुर को जुड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग अपने बदहाली के लिए एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनने को तैयार है। बलिया की खस्ताहाल सड़कें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहाँ की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो सुगम यातायात की कल्पना से परे हैं। NH 31 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने की काफी समय से मांग की जा रही थी, जिससे छोटे जिलों को महानगरों से जोड़ा जा सके। इस बात को जिले के लोकसभा सदस्य भारत सिंह ने केंद्रीय भूतल और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुँचाई। इन्होंने इसे स्वीकार किया और जल्द ही इसकी घोषणा करने की बात कही। NH 31 है, क्या स्थिति है? स्थिति है कि यहाँ गड्ढा मुक्त मने जो बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग चलने में सुबह से शाम तक इतना परेशानी होता है कि उसका कई जवाब नहीं है। ठेहुन भर से ऊपर गड्ढा, यहाँ पर हर जगह हर किलोमीटर पर आप देख सकते हैं, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है। मंत्री आए थे, कहते इसको NH बना देंगे, 4 लेन, अभी कुछ शुरुआत हुई क्या? कहीं कोई शुरुआत नहीं है, ये हम लोग 5 साल पहले से ही सुन रहे हैं और यहाँ पर कोई भी आज तक यहाँ पर गिट्टी तो पड़ा ही नहीं, बनाना तो दूर की बात है।